सो चलिए गाइस शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लैटिस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सॉलिड क्या होता है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो क्लोजली पैक्ड उस पैकिंग को ही हम लोग लैटिस बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग लैटिस को डिफाइन करेंगे। सो लिखिए लैटिस होता क्या है। तो लिखिए लैटिस, सबसे पहला जो आज का पॉइंट है वो है लैटिस। आप याद रखिएगा आज का जो लेक्चर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए लैटिस, दैट इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबको समझ में आ गया, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशन, और वी कैन से और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। जब मैं क्या करूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, या फिर मैं बोलूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखो पार्टिकल अगर हम बात करें तो हमको पता है जो पार्टिकल वो एटम होगा या मॉलिक्यूल, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल स्फेयर के जैसे। उसमें बीच में क्या होता है उसका सेंटर पॉइंट, जिसको हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो सेंटर पॉइंट, मैं या तो ये पॉइंट ले लूं या ये पार्टिकल ले लूं और इनका रेगुलर थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट करूं, तो उसको हम लोग लैटिस बोलते हैं। जरा ध्यान से उसको देखिए कैसा। रेगुलर का मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन अरेंजमेंट होना चाहिए। जरा ध्यान से उसको देखो, मैं यहां बनाता हूं। नाउ लुक एट इट, मैंने ये पहला पॉइंट लिया, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि हमें पूरे स्फेयर बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसका सेंटर पॉइंट बना दो, वो ऑटोमेटिकली यहां पर ये दिखाएगा कि यहां पर एक एटम है। सबको समझ में आ गया। तो उसका सेंटर पॉइंट मैंने यहां लगा दिया, ध्यान से उसको देखिएगा। ये पहला सेंटर पॉइंट है, ये दूसरा सेंटर पॉइंट हुआ, ये तीसरा सेंटर पॉइंट हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से बिल्कुल लाइन में मैंने क्या किया है, यहां पर सभी के सेंटर पॉइंट को एकदम लाइन में लगा दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहां पर मैं इन दोनों के बीच में लगा रहा हूं, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। देखिए कई बार से सवाल पूछे कि इन दोनों के बीच में कैसे लगा दिया, तो आपको, आप खुद से इसको इमेजिन करो। सपोज कि आपके घर में पार्टी है, लड्डू है, और लड्डू को आपको आपके मामा बोलती कि इसको क्या करो, एक डब्बे में पैक करो। तो आपके पास है ना तरीके बहुत सारे डब्बे में पैक करने के, या तो आप क्या करो, एक लड्डू के जस्ट नीचे लड्डू लगाओ, या फिर ये पॉसिबिलिटी है ना कि ये दो लड्डू लगे हुए हैं, उन दोनों लड्डुओं के बिल्कुल बीच में एक लड्डू लगा दो। सो वो पैकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है एक्चुअली, उससे ज्यादा आप एटम को क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्पेस में कवर कर सकते हैं, ज्यादा स्पेस को कवर कर पाएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट को लगाया है। क्लियर हो गया, ऐसी चीजें आपको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं पैकिंग कितने तरह की होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जरा समझे कि मैं यहां पर रेगुलर पॉइंट का अरेंजमेंट कर रहा हूं तो वो कैसा होगा, जरा चेक कीजिए, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करूंगा, ऊपर वाले पॉइंट के जस्ट नीचे यहां पर एक पॉइंट लगा रहा हूं, एक पॉइंट, ध्यान से इसको समझिएगा। सारा खेल ये जो है अब होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो ध्यान से उसको देखिएगा। ये मैंने एक और लेयर लगा दी, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके जस्ट नीचे यहां पर भी एक लेयर और लगा रहा हूं, ध्यान से उसको देखते रहिएगा, ठीक है। ये देखिए, और ये मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स का एक रेगुलर थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट कर दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस। और इसके हर एक पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये तो हुआ तो आपका लैटिस एंड लैटिस पॉइंट। क्लियर हो गया सब लोगों को, कोई पूछे कि लैटिस क्या होता है, थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिस, और उसके हर एक पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं आप उसकी जगह पे। अब जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे सामने आती है वो है यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है, तो जरा ध्यान से इसको देखो, यूनिट सेल क्या होता है। आपको पता है आपका घर कैसे बना है, आपने कभी गौर से देखा है, आपके ब्रिक से एक छोटा सा यूनिट जो कि पूरे लैटिस को बनाता है। मतलब क्या है, आप छोटी ब्रिक लें और उस ब्रिक में क्या करें, उसको ब्रिक को कंटिन्यूअसली क्या करें, अरेंज करें, एक ब्रिक फिर दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, उसके ऊपर ब्रिक, नीचे ब्रिक, आगे ब्रिक, पीछे ब्रिक, ब्रिक, तो उसे क्या होगा, एक पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी। सो फाइनली वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे आप पूरा लैटिस बना सकते हो उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। सो फाइनली मैं यहां लिखता हूं और मैं यहां बना के भी दिखाऊंगा आपको। सो फाइनली यूनिट सेल किसको कहते हैं, द स्मॉलेस्ट 3D, ठीक है, यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस
आफ्टर रिपीटेशन, आफ्टर रिपीटेशन, अगर आप उसको बार बार रिपीट करते रहें तो वो पूरा लैटिस को फॉर्म कर देगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं मेरा मतलब क्या है, जरा ध्यान से उसको चेक करें। सो चलिए गाइस, यहां पे मैं आप लोगों को यूनिट सेल बना के दिखाता हूं, जरा ध्यान से इसको देखो। मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसी स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशन यूनिट जिसको बार बार अगर हम रिपीट करें तो लैटिस की फॉर्मेशन होती है। तो जरा ध्यान से इसको देखो, यहां पर हमारे पास लैटिस बना हुआ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट यूनिट बनाते हैं जिसको रिपीट करेंगे तो पूरा लैटिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, यानी क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। जरा ध्यान से उसको देखिए, देखिए जरा ध्यान से, यहां से मैं इसको जोड़ देता हूं, ये एक इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया, ये देखिए, ठीक है। और ऐसा ही हम लोग नीचे से भी जोड़ देते हैं, सपोज मैंने यहां से इसको यूं जोड़ दिया है, ये ठीक है, और अब मैंने इसको नीचे इस तरह से जोड़ दिया है, ये देखिए, देखिए फटाफट से, और फाइनली यहां से यहां और यहां से यहां, ये जो आपके पास इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिक, आप ऐसे समझिए क्यूबिक ब्रिक है जिसको अगर मैं रिपीट करूंगा तो पूरा लैटिस फॉर्म हो जाएगा। तो ये पहली ब्रिक है, अब ऐसी ब्रिक आपको और भी दिखेंगी, कैसे जरा ध्यान से इसको चेक करो। फिर से मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसको यहां से यहां यहां एंड यहां इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से मैं नीचे भी यहां से यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, उन पॉइंट्स को नीचे लेके आ जाता हूँ, यहाँ से ये देखिए इन पॉइंट्स को नीचे लेके आ गया। अब आप खुद से देखो, एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स, जैसे ही मैं इनको कंटिन्यूसली जोड़ते जाऊंगा तो पूरा लैटिस फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब इसका ये है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ही, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल बोलते हैं, क्लियर हो गया। जिसको बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो पूरे लैटिस की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये मतलब निकलता है इसका यूनिट सेल का, सब क्लियर हो गया। अब फाइनली यूनिट सेल कितने तरह की होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करके जितने एटम को देखा गया है, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उनके हिसाब से यूनिट सेल टोटल चार तरह की होती है। तो जरा ध्यान से उसको देखिए, बस यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। तो यूनिट सेल होती है टोटल चार तरह की, पहले मैं यहां पर इनके नाम लिखता हूं फिर एक एक करके उनको पढ़ेंगे। सो इसको कैटेगराइज आप इस तरह से भी कर सकते हो, कई बुक्स में इसको दो तरह से बताया है, देखिए कैसे, मैं यहां पर क्लिक करता हूं, उन दो में मैं चार को कैटेगराइज कर दूंगा, ध्यान से उसको देखिए। देखिए यूनिट सेल को दो तरह से कैटेगराइज कर दिया, एक तो सिंपल, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल, ध्यान से इसको देखिएगा, एक सिंपल यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ध्यान से इसको देखिए, सेंटर्ड यूनिट सेल, अब आप कहेंगे कि सिंपल और सेंटर्ड हमने पहली बार देखा है, ये वही है, बस उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं और कुछ है नहीं। देखिए सिंपल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्लियर हो गया, इसका ये भी नाम है। तो अगर आप ये नाम भी देखें तो आप घबराइएगा नहीं, एक ही बात है, प्रिमिटिव का मतलब सिंपल यूनिट सेल ही होती है। अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। और सेंटर्ड यूनिट सेल जो है ना, टोटल तीन तरह की होती है। अब देखिए हो गया ना अपने आप से चार तरह सा, ध्यान से उसको देखिए, ये चार तरीके से हो गया, पहला है सिंपल, अब जो मैं तीन लिखने जा रहा हूं वो सेंटर्ड यूनिट सेल में काउंट होता है। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले है फेस सेंटर्ड, कौन सी है, फेस सेंटर्ड, दूसरी है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, और तीसरी है एंड सेंटर्ड, क्या होता है, एंड सेंटर्ड। तो हो गया ना टोटल चार, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, क्योंकि इनके लास्ट में सेंटर्ड आ रहा है, इसलिए हमने यहां पर दो कैटेगरी बना के उन तीनों को सेंटर्ड में डाल दिया, क्लियर होता है। तो ये ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज आपकी बुक में सीधे भी लिखा हुआ है सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो एक एक करके इनको पढ़ना है। तो यहां पर ये होते हैं यूनिट सेल, और इस तरह से इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। अब हमें एक एक को समझना है कि सिंपल क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, और एंड सेंटर्ड क्या होता है, ठीक है। सो चलिए गाइस फटाफट से आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। सो चलिए गाइस आगे चलते हैं, अब हम सीखते हैं कितने तरह का यूनिट सेल होता है और साथ ही साथ एटम कितने होते हैं पर यूनिट सेल में। तो ध्यान से उसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हमने ये तो समझ लिया कि यूनिट सेल का मतलब ऐसा थ्री डायमेंशन स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको रिपीट करते रहे तो लैटिस बन जाएगा। सो ध्यान से उसको देखिए, यहां पर यूनिट सेल मैंने आपको बताया चार तरह के, सबसे पहला कौन सा है, सिंपल या प्रिमिटिव। तो मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल दिखाता हूं आप लोगों को। तो देखिए सिंपल या फिर इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, सो प्रिमिटिव, तो सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से इसको देखो, जहां पर आपके जो एटम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं, एटम्स आर ओनली सिचुएटेड एट कॉर्नर्स। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ और सिर्फ कहां हो, कॉर्नर्स पे, ये ध्यान रखना है। यूनिट सेल पे एटम अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे ही सिचुएटेड है तो उसको सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं,
देखो ज्यादातर हम लोग यूनिट सेल जो लेते हैं ना वो क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं। कौन सी लेते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। क्यूबिक मतलब क्यूब के जैसा, मैं आपको चलो एक्सप्लेन कर देता हूं। जहां पर चाहे आप लेंथ लो, चाहे आप विड्थ लो, चाहे आप हाइट लो, सब बराबर होता है, यहीं पे बता देता हूं। और उनमें एंगल कितना होता है? अल्फा बीटा गामा उसमें 90 डिग्री का होता है। इसको सेल पैरामीटर्स भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सिंपल है, क्यूब तो सबने देखा होगा ना, तो फाइनली क्यूब के जैसा होता है यूनिट सेल। और उसमें एबीसी बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा कितना होता है? 90 डिग्री एंगल पर होता है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, सो गाइस देखिए, इसको क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ये आपको क्यूब दिखाई दे रहा है तो सबने देखा होगा, तो इसको क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। या फिर आप ध्यान से इसको देखें तो ये छोटे छोटे जो क्यूब है ना उनको मैं रिपीट करता रहा है तो एक बड़ा क्यूब बन गया। ध्यान से देखो, ये छोटा सा क्यूब, ये एक छोटा सा क्यूब, ये छोटा सा क्यूब, सबको मैंने रिपीट किया एक एक करके। तो देखो, ये छोटे से क्यूब को यूनिट सेल अगर कहें तो इस पूरे क्यूब को क्या कहेंगे? लैटिस। तो ये ऐसा अरेंजमेंट कुछ हो जाता है। तो आप ध्यान में रखिए दिमाग में कि छोटा सा यूनिट सेल जिसको रिपीट करते रहे तो लैटिस बन गया। और यहां पर हमें क्या देखना था? यहां पर हमें क्यूबिक यूनिट सेल देखना था। ये देखिए, इसको क्यूबिक यूनिट सेल अगर कहें तो ध्यान से देखो, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो इसको क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। सबको समझ में आ गया? और अगर हम लोग इसको बनाना चाहते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो इस यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पे ही क्या होंगे? एटम रखे हुए होंगे। तो देखिए कैसे, ये देखिए मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको, जरा ध्यान से इसको देखो कैसे होता है। सपोज कि हमने यहां पर एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए जरा ध्यान से, ये क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बनाया, ये बना दिया, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। सो अब इस क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर कहां पर है जरा चेक करो। ये कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कॉर्नर एक तो कितने होते हैं? 8। ये तो ध्यान रखना, कॉर्नर्स 8 होते हैं। सबको समझ में आ गया? 8 कॉर्नर होते हैं। अब इन कॉर्नर्स पे आपके क्या अरेंज होते हैं? एटम्स अरेंज होते हैं। अब मेरा एक सवाल है जो मैं आपको यहीं पे जवाब उसका दूंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई एटम इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे रखा हुआ है तो ऐसे ही रखा होगा ना वो? ध्यान से उसको देखो, इस तरह से, यस और नो, स्फेरिकल एटम इस तरह से रखा होगा। अब मेरा सवाल ये है कि इस यूनिट सेल के अंदर इस स्फेयर का कितना पार्ट आ रहा है, उसको गैस करना आपको। मतलब इस यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट आ रहा है? क्या पूरा का पूरा ये जो बॉल है वो यूनिट सेल के अंदर आ रहा है क्या? नहीं। तो कितना पार्ट आ रहा है जरा उसको चेक कर लो। तो ध्यान से उसको देखो, एक्चुअल में इस पूरे स्फीयर का सिर्फ 1/8 पार्ट ही क्या आता है इस यूनिट सेल के अंदर। ध्यान से उसको चेक करो, इस पूरे स्फीयर का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। अब कैसे मैं आपको जवाब देता हूं, ध्यान से उसको देखो। अब देखो, ये पूरा का पूरा बॉल है, मैं पहले इसको आधा बॉल बना दूं, क्योंकि ये आधा बॉल तो कम से कम आपको दिखाई दे रहा है ना, आधा बॉल तो बिल्कुल बाहर ही है। आधा बॉल बना देता हूं पहले। ये देखो, यहां से ये आधा बॉल, ध्यान से इसको देखो, ये समझने का बड़ा आसान तरीका है। ये पूरा बॉल था, ध्यान से इसको देखो, ये पूरा बॉल था। अब ये पूरे में से आधा बॉल तो यूनिट सेल के अंदर आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब आधा बॉल में आपको दिखाता हूं, आधे बॉल में यहां पर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आप देखो, यहां से आप चार इस तरह से देखो, इस तरह से आप लाइन खींच लो। अब आप खुद से ही सोच लो कि कितना पार्ट, और ये है वो, ध्यान से इसको देखो, मैंने जो लाइन खींची, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है, उसके बाद ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। अब आप खुद से सोचो कि यहां पर जो ये क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्यूब, ये वाला है, ध्यान से उसको देखो, उसमें कितना पार्ट आ रहा होगा। ये देखिए, यहां से सिर्फ इतना पार्ट ही आ रहा होगा, जरा चेक करो, आधे का भी 1/4 पार्ट आ रहा है, तो पूरे का कितना हो गया? 1/8 पार्ट। खुद से ही सोच लो, दिमाग लगाओ, आधे का, ये आधा स्फेयर है उसका 1/4 पार्ट आ रहा है, तो पूरे स्फेयर का कितना आ रहा होगा? सिर्फ 1/8 पार्ट ही तो आ रहा होगा। गैस करके खुद से ही देख लो, आया समझ में? तो ध्यान रखना आपको, अगर कोई एटम कॉर्नर पे होता है उसका 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होता है। अब ऐसे बॉल कितने हैं जरा चेक करो, टोटल 8 यहां पर ऐसी बॉल्स या एटम्स हैं, तो 8 × 1/8 पार्ट, हाउ मच? सिर्फ एक ही एटम हुआ जो एक्चुअल में इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में इस प्रिमिटिव सेल के अंदर है। इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्लियर हो गया सब लोगों को? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई पूछे कि इस यूनिट सेल में, अगर ये यूनिट सेल सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में कितने एटम है? तो एक कॉर्नर पे एक एटम है, लेकिन उस एक एटम का 1/8 पार्ट ही है। टोटल 8 कॉर्नर बनते हैं, तो यहां पर 8 × 1/8, ठीक है, 8 × 1/8, दैट इज इक्वल टू 1 एटम। तो सिर्फ एक ही एटम है जो इसके अंदर है एक्चुअल में,
ठीक है, यानी कि 1/4 यहां ध्यान से देखो, 1/8 पार्ट यहां, 1/8 पार्ट यहां, 1/8 पार्ट यहां, ऐसे करके 8 हैं, तो टोटल एक ही एटम हुआ ना ओवरऑल। तो इसको बोलते हैं सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबको क्लियर हो गया? अब सिंपल के बाद आगे चलते हैं। देखिए सिंपल के बाद क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले आता है फेस सेंटर्ड। तो नाम से ही जैसे आइडिया लग जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट में सेल में क्या होता है, यहां पर जो आपके कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं बेसिकली वो कहां कहां होते हैं, वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, वो ये जो क्यूब है उनके फेसेस में भी होते हैं, फेसेस के सेंटर पे होते हैं। जरा मैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो ध्यान से उसको देखो, मैं पहले एक क्यूबिक यूनिट सेल ले लूं, ध्यान से उसको देखो, ये मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल ले लिया। अब यहां पर अगर इसको आप फेस सेंटर्ड बनाना चाहते हैं तो इनके कॉर्नर पे तो होंगे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर पे तो है ही। ये जो फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला फेस ले लो, उसके बीचों बीच ठीक सेंटर पे भी होंगे। अब टोटल फेस कितने होते हैं, देखो कॉर्नर तो होते हैं जी 8, फेस होते हैं टोटल 6। आप किसी भी कोई भी घर पे क्यूब पड़ा उसके एक फेस देख लो, एक फेस नीचे, एक फेस ऊपर, एक फेस इस तरफ, एक फेस मेरी तरफ, एक एक फेस बोर्ड से बाहर और एक फेस बोर्ड से अंदर, 6 हो गए ना टोटल। अब आप ध्यान से एक सवाल अपने आप से पूछो कि अगर कोई एटम फेस पर है तो बताइए उसका कितना पार्ट यूनिट के अंदर है। खुद से ही सोचो, सिर्फ आधा ही पार्ट होगा ना। एक बॉल इमेजिन करो, जो बॉल आपने फिट करी, जैसे यही फेस ले लो, अगर ये फेस होता तो यहां बॉल इमेजिन करो, तो उस बॉल में आधा बॉल कमरे के अंदर, आधा जो बॉल है बेसिकली उस बॉल के उधर होता दूसरे कमरे में, तो सिर्फ 1/2 पार्ट ये बेसिकली जो कि यूनिट सेल के अंदर होगा, फेस के अंदर। खुद से इमेजिन करके देखो, बहुत ईजी है, ठीक है। मैं आपको यहां पर फोटो भी साइड में दिखा दूंगा, इसकी प्रिमिटिव की भी और फेस की भी, ध्यान से उसको देखते रहो, जब टॉपिक चलता रहा होगा आपको फोटो भी दिखेगा। तो खुद से इमेजिन करो कि ये जो एटम है उसमें सिर्फ आधा ही होगा जो एटम बेसिकली यहां पर यूनिट सेल के अंदर होगा, आधा एटम तो बाहर होगा। तो देखिए कॉर्नर पे हम समझ चुके हैं कि यहां पर 180 होता है, लेकिन फेस में कितना होता है, सिर्फ हाफ। तो यहां पर कितना हो गया, देखिए 1/8 × 8 दैट इज 1 और 6 × 1/2 दैट इज 3, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो कोई पूछे अगर आपसे कि फेस सेंटर्ड में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं। एक तो हो गया कॉर्नर के रिस्पेक्ट में और 3 हो गया फेस के रिस्पेक्ट में। सबको समझ में आ गया, इट इज वेरी सिंपल और यह चीज आपको बहुत ज्यादा काम देगी। फेस के बाद चलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर पर, बहुत आसान है, ध्यान से उसको देखो। बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसी होती है, ध्यान से देखो। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल उसको बोलते हैं जहां पर आपके जो कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, साथ ही साथ बॉडी के अंदर भी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बॉडी के अंदर बॉक्स के अंदर रखा हुआ होगा। तो ध्यान से उसको देखो, मैं उसको डायग्रामेटिकली यहां पर बता देता हूं। सपोज कि ये हमने क्यूब ले लिया यहां पर, ये देखिए ये क्यूब दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब फाइनली यहां पर अगर इसको बॉडी सेंटर्ड बनाना चाहते हो तो कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर पे तो है ही, टोटल कॉर्नर कितने हो गए, 8। ध्यान से देखो कॉर्नर पे तो है ही, आप एक बॉल लो इस बॉक्स के अंदर डाल दो तो बिल्कुल बॉडी के अंदर भी होंगे। इसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। तो मैं बड़ा सा बना देता हूं, ध्यान से इसको देखो, बिल्कुल बॉडी के अंदर, तो ये पूरा ही अंदर होगा। तो आप खुद से सोचो, कॉर्नर पे तो देखो टोटल कॉर्नर होते हैं 8, यस और नो, और कॉर्नर के रिस्पेक्ट में सिर्फ 1/8 पार्ट ही होता है एटम का, तो टोटल कितने हो गए कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, तो 1, और एक पूरा बॉडी के अंदर है तो बॉडी के रिस्पेक्ट में एटम कितने हो गए, 1, तो 1 और 1 कितना होता है, 2। तो पर यूनिट सेल एटम देखिए, सिंपल वाले में 1, फेस सेंटर्ड में 4, बॉडी सेंटर में 2, दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा, कौन सा, वो भी मैं यही बता देता हूं, एंड सेंटर। अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, सो एंड सेंटर यूनिट सेल देखिए, एंड सेंटर यूनिट सेल अगर आप लोगों को बनानी है तो आपके कंस्टिट्यूएंट एटम किधर होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही, ये तो नेसेसरी है। कॉर्नर के अलावा कहां होंगे, एंड, कोई भी दो एंड पकड़ लो किसी भी यूनिट सेल के, आपको बताता हूं, ठीक है, कोई भी दो एंड पकड़ लो वहां पर होंगे। जरा चेक करो, मैं यहां पर अलग से डायग्राम बना देता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करो, मैं इस तरफ डायग्राम बना देता हूं, ये देखिए फटाफट से। तो यहां पर हमने एक क्यूब बनाया, देखिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा, यहां पर हमने एक क्यूब बना दिया। अब उसके कॉर्नर पकड़ लो सबसे पहले, तो ये कॉर्नर पे तो होंगे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर हो गए। अब कोई दो एंड पकड़ लो, मतलब समझिए
हमने कॉर्नर पे तो लगा ही दिए हैं, ये देखो कॉर्नर पे तो हमने लगा दिए। अब आप कोई भी एक फेस, यहां पर कोई भी एक फेस ऊपर वाला और एक फेस नीचे वाला, मतलब एंड पकड़ लिया इसका, ये फेस और ये फेस, यहां पे एटम अटैच कर दो। कोई भी दो फेसेस, अपोजिट दो फेस कोई भी पकड़ लो। तो ध्यान से देखो, मैं कौन से वाले ले रहा हूं यहां पे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले में एक एटम लगा दिया, नीचे वाले में एक एटम लगा दिया, बस ये एंड सेंटर बन गया। क्लियर हो गया? मतलब फेस सेंटर में तो हर फेस में होता है, लेकिन एंड सेंटर में कहां होता है, कोई भी दो फेस पकड़ लो ऑपोजिट वाले, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी, लेकिन दो ही, वहां पर आप एटम को लगा दो, वो आपके लिए एंड सेंटर होगा। अब जरा ध्यान से इसको चेक करो, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में टोटल कॉर्नर होते हैं 8 और 1/8 पार्ट होता है, तो यहां पर हो गया 1। और अगर एंड सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें, आप देखिए आपने कितने एंड सेंटर लगाए हैं, दो फेसेस को चूज किया, सबको समझ में आ गया, वहां पर तो टोटल 6 थे फेस सेंटर में, यहां पर सिर्फ दो ही फेसेस आपने चूज किए और एक फेस में होता है हाफ। सो फाइनली अगर एंड के रिस्पेक्ट में देखें तो देखो यहां पर दो एंड हमने लिए और एक, अगर फेस को देखें, अगर यहां पर आपने एटम लगाया तो आधा एटम अंदर होगा आधा एटम बाहर, तो यहां कितना आएगा 2 × 1/2 दैट इज 1, सही है? सो फाइनली 1 और 1 कितना हो गया 2। तो देखिए ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सिंपल के अंदर हमारे यहां पर जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, और अगर यूनिट सेल में एटम देखना चाहते हो कि एटम पर यूनिट सेल कितने हैं तो बहुत आसान है, दैट इज ओनली 1। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड में होते हैं टोटल 4। कैसे होते हैं? क्योंकि कॉर्नर पे होते हैं, टोटल कॉर्नर मिला के 1 और सारे फेसेस मिला लें तो 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। अगर आपको ये मैथमेटिक्स याद है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। बॉडी सेंटर की बात करें तो आपके एटम होंगे कॉर्नर पे और साथ में किधर होंगे, बॉडी पे, बॉडी के अंदर 1, तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में तो हो गया 1 और बॉडी के अंदर डाल के रखा है तो 1 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2। एंड सेंटर की बात करें तो कॉर्नर पे तो होगा ही, तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में तो हो गया 1, जो हम सभी में करते आए हैं। एंड सेंटर के रिस्पेक्ट में देखिए दो एंड पकड़ने हैं आपको, तो मैंने ऊपर और नीचे वाला ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो, उधर वाला यानी कि दायां और बायां भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, लेफ्ट और राइट भी ले सकते हो। सो आपको कोई भी दो एंड ले लेने, फेसेस ले लेने, अपोजिट फेसेस, और वहां पर एटम को अटैच कर देना है। तो आपने दो लिए और एक फेस पर जब आप एटम लगाते हो तो आधा ही पार्ट होता है, तो यहां कितना हो गया 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। सो फाइनली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको मैंने आज आपको कवर करवा दिया है। मैं दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूं, सिंपल में कॉर्नर पे होता है और टोटल एटम कितने होते हैं सिंपल वाले में 1, फेस सेंटर में टोटल एटम 4 होते हैं, वहां पर फेसेस पे और कॉर्नर पे होता है, बॉडी के अंदर जो है यहां पर कॉर्नर पे तो होते हैं, एक बॉडी के बिल्कुल अंदर ही होता है, तो 2 हो गए। और एंड सेंटर में क्या होता है, दो फेसेस आपको पकड़ने हैं, अपोजिट फेसेस वहां लगाने और कॉर्नर पे लगाने, तो यहां भी 2 ही होते हैं। अगर ये मैथमेटिक्स आपको पता है तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है? इसलिए बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं ताकि इनको आप याद कर लो। सबको समझ में आ गया? सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। सो आप इसको अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से बनाओ। अगर आपने इनिशियली इन टॉपिक्स को ध्यान से देख लिया तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान है। सबको समझ में आ गया? और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं आपको गारंटी देता हूं आपका सॉलिड स्टेट बहुत आपको सिंपल लगने लगेंगे उसके क्वेश्चंस। तो फटाफट से साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए गाइज, और फटाफट से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब आपके आज का होमवर्क आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, इसको ध्यान से करो। और मैं क्लियर कर देता हूं, अनअकैडमी पे, अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है उस पर आयनिक इक्विलिब्रियम वो ऑलमोस्ट एंडिंग पॉइंट पर है। मैंने कल भी 4 लेक्चर डाले थे, आज ही मैंने 2 लेक्चर डाले, आप फटाफट से उनको देखना शुरू करो। होमवर्क में इनफैक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम के ही लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस, और इन लेक्चर्स को उन बच्चों को शेयर करो जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।